खबर है सूरत से। गुरुवार की शाम यानी कि कल रिंग रोड स्थित कपड़ा बाजार में एक व्यापारी शिव शक्ति मार्केट के पास खड़े थे। उस समय एक किशोर दौड़ते हुए उनके पास आया और उन्हें एक छोटा सा पार्सल दिया। पार्सल देने के बाद तुरंत ही किशोर भागकर वहां से निकल गया। व्यापारी उससे कुछ पूछे इससे पहले ही ये सब कुछ हो गया। इसके बाद व्यापारी ने कौतूहलवश पार्सल को खोला तो उसमें से एक बंदूक और 4 कारतूस तथा साथ में एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था कि 3 करोड़ रुपए दो नहीं तो खत्म कर देंगे, पुलिस को बताने की कोशिश मत करना। पिस्टल और धमकी भरा पत्र देख व्यापारी हैरान रह गया। चिट्ठी में व्यापारी से फिरौती मांगी गई थी। यह पढ़ने के बाद व्यापारी चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत ही अपने भाइयों और दोस्त व्यापारियों को यह जानकारी दी। देर शाम इस बारे में पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने व्यापारी के घर पर दुकान के पास सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। व्यापारी को किस किशोर ने यह पार्सल दिया इसकी जांच की जा रही है। साथ ही किसी ने मजाक तो नहीं किया इस दिशा में भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी नजरिए से जांच कर रही है। व्यापारी सैटेलाइट इलाके में रहता है, हालांकि इस घटना के बारे में पुलिस ने कुछ भी कहने से इनकार किया है।